देश की राजधानी दिल्ली से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां नांगलोई इलाके के स्कूल में एक टीचर की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। कत्ल का आरोप स्कूल के ही छात्रों पर लगा है। वारदात कल शाम की है, जब स्कूल में दूसरे शिफ्ट की परीक्षा करवाकर मुकेश कॉपी इकट्ठा कर रहे थे, तभी करीब 6 लड़के क्लास में पहुंचे और मुकेश से कहा सुनी शुरू कर दी। आरोप है कि तभी अचानक एक लड़के ने मुकेश पर ताबड़तोड़ चाकू से वार करने शुरू कर दिए। वारदात को अंजाम देने के बाद छात्र मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल मुकेश को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि आरोपी छात्र 12वीं में पढ़ते हैं। वहीं पुलिस ने 2 आरोपी छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए दोनों छात्र 3 बार फेल हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि टीचर मुकेश ने उनका नाम काट दिया था, हालांकि बाद में उनके स्कूल में वापसी हो गई थी, लेकिन लड़के इसी बात से नाराज थे। शिक्षा के मंदिर में हुई ये वारदात वाकई शर्मसार करने वाली है। एक शिक्षक छात्रों का मार्गदर्शक होता है, इसलिए वो शिष्यों को डांटता भी है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करता है। लेकिन मुकेश शायद ये नहीं जानते थे कि यहाँ डांटने की कीमत उन्हें जान देकर चुकानी पड़ेगी। देखते रहिए टीवी लाइव।